मनीष साहनी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का राज्य जनरल सेक्रेटरी हूँ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ इस समय जो मौजूद हैं वो मीनाक्षी छिब्बर जी हैं, जो यहाँ से कठुआ डोडा से हमारी उम्मीदवार थी, मैं जम्मू रजौरी पुंछ से उम्मीदवार था, और ये हमारे श्रीनगर से जो खालिद भट्ट हैं ये यहाँ के उम्मीदवार हैं। हम तीनों उम्मीदवार इस समय आप लोगों के बीच में हैं। उसके साथ हमारी स्टेट इकाई के और भी कई नेता स्पेशल जम्मू से आप लोगों के लिए एक दोस्ती, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए, खास करके कश्मीर की एक दोस्ती का पैगाम और लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ हैं सुरजीत सिंह जी हैं, जो हमारे उप प्रमुख हैं स्टेट इकाई के। उसके बाद विकास बख्शी जी हैं, जो सचिव हैं। राय सिंह जी हैं, जो हमारे यहाँ के स्टेट सचिव हैं। उसके साथ बाकी रियासी से भी हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पहुँचे हुए हैं। यानी हम 10 लोग यहाँ पर आप लोगों के बीच के अंदर हैं, एक दोस्ती के पैगाम की शुरुआत करने के लिए, एक दोस्ती का मैसेज लेकर आए हैं। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जम्मू की हैं या कश्मीर की हैं, ये लोगों के बीच में जम्मू और प्रांत के अंदर या हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो भाईचारे को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और जम्मू और कश्मीर के अंदर जो नफरत की खाई पैदा की जा रही है, हम उसको भरने का प्रयास करने के लिए आज यहाँ पर हैं। हम नहीं चाहते कि जम्मू और कश्मीर अलग अलग अपनी अपनी तरह से सोचें। हम चाहते हैं कि दोनों हर मामले के अंदर एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर बराबर के शरीक हों और एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को विकास की बुलंदियों पर छुआ जाए और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल की जाए। इसके साथ ही जो आज हमारा यहाँ आने का दूसरा मकसद था, वो था कि बांदीपुर के अंदर जो 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं आप लोगों के बीच में। शिवसेना क्या पूरा जम्मू भी उन लोगों के साथ खड़ा है जिनके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, पर परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और जो दोषियों के लिए शिवसेना भी कड़े से कड़ी सजा की मांग करती है। हम भी चाहते हैं कि जो दोषी पकड़े गए हैं या पकड़ने अभी बाकी है, उसकी पूरी तहकीकात कर उनको बीच चौराहे के अंदर फांसी लगा देनी चाहिए। इसके साथ ही जो हमारा जो तीसरा जो मुद्दा था, वो था कि हम जम्मू कश्मीर के यहाँ का जो नेता हैं उनको थोड़ा सा आगाह भी करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू मुस्लिम और जम्मू और कश्मीर के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद करें और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार और यहाँ विकास के कार्यों को महत्व दिया जाए। जनता से भी हमारी अपील है, जम्मू की जनता से भी, हम जम्मू की जनता को भी अलग नहीं रख रहे, जम्मू की जनता से भी, कश्मीर की यानी पूरी जम्मू कश्मीर राज्य की जनता से हमारी अपील है कि विकास के मुद्दों को ध्यान में रखें। जो हमारे जो लीडर हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो हमारे अलगावादी नेता हैं, जो एक दूसरे को भड़काने का प्रयास करते हैं, साजिशें रचते हैं कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग तरह से इनकी सोच बनाई जाए, उस खाई को हमने यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म करना है। और अंत में मैं आप लोगों के सवालों से पहले एक शेयर के साथ इसको समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने सुना है कि कश्मीर के अंदर बड़ी शायराना अंदाज के अंदर यहाँ पर बातचीत की जाती है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि ना हरा तेरा है ना भगवा मेरा है, ये तिरंगा ही तेरा मेरा है। कि हम नहीं चाहते भगवा और हरे को अलग अलग किया जाए, जो हमारा तिरंगा है उसके अंदर भगवा भी है, हरा भी है, तो हम तिरंगे का सम्मान करें, हम तिरंगे को सबसे ऊपर मानकर चलें और जम्मू कश्मीर के विकास के ऊपर ध्यान दें, जम्मू कश्मीर में भाईचारे के ऊपर ध्यान दें, जम्मू कश्मीर के अंदर जो नफरत की खाई बनाने की साजिश रची जा रही है उसको बेनकाब करें, उसको कभी भी कामयाब ना होने दें।